हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी है। दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x + y इक्वल टू 23 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 4x - y इक्वल टू 19। और हमें 5y - 2x और y/x - 2 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल थी, दोनों इक्वेशन दिख रही है आपको, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर वाई से वाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 2x + 4x यहाँ पर हो जाएगा 6x, और यहाँ दोनों को ऐड करने पर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 42। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42/6, दैट कम्स आउट टू बी 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7, नॉर्मल सा एलिमिनेशन मेथड लगा के हमने उसको सॉल्व कर लिया है। y की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 2x + y = 23 के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 × x की जगह पर हम लिख देंगे 7 + y = 23। 7 × 2 = 14 हो जाएगा यहाँ पर, + y = 23, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 23 - 14, सो देट हमारा y जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 9। तो x और y की वैल्यू हमने एलिमिनेशन से फाइंड कर ली है। अब हमें 5 - 5y - 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9, 2 (x) की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7। यहाँ पर 5 9 हो जाएगा हमारा 45 - 14। 45 में से हम यहाँ पर 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 31। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया है। इसके अंदर दूसरी एक और वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप करेंगे, दैट इज y/x -2। इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।